So today we are in the capital gain fourth class. Give the heading capital gain class 4. Give the heading capital gain class 4. And today's first topic of discussion will be capital assets are acquired by way of gift or inheritance. Capital asset is acquired by way of gift or inheritance. देखिए, जब भी कैपिटल एसेट आपको गिफ्ट में मिलता है, इनहेरिटेंस में मिलता है, सबसे पहला बात, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा, दैट विल बी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर. कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, इसका मतलब ए ने बी को गिफ्ट किया. ए हैज गिफ्टेड द प्रॉपर्टी टू बी. तो ए के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा जो ए के लिए है. ए का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा बी का. गिफ्ट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द असेसी शैल बी ओनर, शैल बी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर. ठीक है. और दूसरा बात ये ध्यान रखिएगा कि पीरियड ऑफ होल्डिंग और इंडेक्सेशन भी विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर होगा. पीरियड ऑफ होल्डिंग और इंडेक्सेशन भी विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर होगा. पीरियड ऑफ होल्डिंग और इंडेक्सेशन भी विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर होगा. इसका मतलब ए ने 2002-03 में प्रॉपर्टी खरीदा, इसको बी को गिफ्ट किया 2008-09 में, और बी ने बेच दिया सी को 2019-20 में. 2019-20 में, 2019-20 में, ठीक है. देयरफॉर जब ICOA निकलेगा हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए इनटू CII ऑफ 1920 बाय CII ऑफ 23. इंडेक्सेशन भी विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर होगा. इंडेक्सेशन भी विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर होगा. ठीक है. हालांकि हम लोग करेंट ओनर का भी ले सकते हैं, करेंट ओनर का भी ले सकते हैं, करेंट ओनर का भी ले सकते हैं, बट हम लोग प्रैक्टिस में क्या फॉलो करेंगे, प्रीवियस ओनर का ही लेंगे, प्रीवियस ओनर का ही लेंगे. और एक बात आप लिख लीजिएगा, गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर. गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर. तो जो गिफ्ट दे रहा है उसके हाथ में कैपिटल गेन नहीं लगेगा. जब आप एसेट ट्रांसफर करते हैं बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, तो ट्रांसफरर को उस ट्रांसफर के ऊपर में देना नहीं पड़ता है. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट चाहे प्रीवियस ओनर का हो या करेंट ओनर का, दोनों का ही लेंगे, दोनों का ही लेंगे. लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप, एनी इम्प्रूवमेंट बिफोर 1st April 2001 is ignored.
is ignored any improvement before 1st April 2001 is ignored इम्प्रूवमेंट चाहे प्रीवियस ओनर करे चाहे करेंट ओनर करे दोनों का ही लेते हैं, लेकिन अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आप 1 अप्रैल 2001 के पहले करते हैं तो उसको इग्नोर करेंगे। अब बात करते हैं एडवांस मनी फोरफिटेड का। इसमें भी प्रीवियस ओनर आएगा और करंट ओनर आएगा, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं और इसको हम लोग लेते हैं। एडवांस मनी फोरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर विल बी इग्नोर्ड। एडवांस मनी फोरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर विल बी इग्नोर्ड। क्लियर? चलिए आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1। विवेक परचेजेस अ प्रॉपर्टी, ऑन 1st April 1998 for rupees 1,05,000। विवेक ने एक प्रॉपर्टी खरीदा 1st April 1998 को फॉर रुपीज 1,05,000। लेटर ऑन ही गिव्स द प्रॉपर्टी टू हिज रिलेटिव आयुष ऑन जून सिक्सटींथ 2005 16 जून 2005 को उसने गिफ्ट कर दिया। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय देम आर एस फॉलोज एडिशन ऑफ 3 rooms during 1999 and 2000, 40,000 costing है उसका। फिर से addition of first floor by Vivek during 2-3 50,000, फिर एडिशन ऑफ सेकेंड फ्लोर बाय आयुष ड्यूरिंग 2011-12 110,000। तो ये सब एडिशन किया गया है, आप देख सकते हैं देर आर 3 additions, Roman number 1, Roman number 2, Roman number 3। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो Roman number 1 वाला एडिशन है ये बिफोर 1st April, दिस इज बिफोर 1st April 2001। तो इसको अपने को क्या करना है, इग्नोर, एंड अपने को बाकी दोनों को लेना है क्योंकि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो प्रीवियस ओनर हो चाहे करेंट ओनर हो दोनों का ही लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन क्या था, एनी इम्प्रूवमेंट बिफोर 1st April 2001 इज टू बी इग्नोर्ड। ठीक है।
क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1 April 2001 इज ₹1,20,000, इज ₹1,20,000. ठीक है आयुष, आयुष फाइंड्स अ बायर, आयुष फाइंड्स अ बायर अंकित, टू हूम प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, टू हूम प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर ₹30 lakhs, फॉर ₹30 lakhs ऑन 15th January 2020. कंप्यूट द कैपिटल गेन, कंप्यूट द कैपिटल गेन, कंप्यूट द कैपिटल गेन. अब आपको CII चाहिएगा, आपको इस सम्स को करने के लिए CII चाहिएगा, तो CII लिखिए. 2019-20 का 289 है, 2001-2 का 100 है, 2002-3 का 105 है, 2011-12 का आपका है 184, 184. ठीक है तो दिस इज द एंटायर सम्स. मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, पहले सम्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन की तरफ आऊँगा. आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स. प्लीज़ आप सम्स को अच्छे से पढ़िए, आप सम्स को अच्छे से पढ़िए. पढ़ने के बाद आप मेरे को देखिएगा मैं कैसे सॉल्यूशन का वर्किंग बना रहा हूँ, कैसे सम्स को ब्रेक कर रहा हूँ, और फिर आप कैलकुलेशन करिएगा. देखिए विवेक के पास में मकान था, और विवेक ने कब खरीदा मकान को डेट देखिए. 1 April 1998, 1 April 1998 में मेरे पास था, मैंने इस मकान को किया है गिफ्ट. किसको गिफ्ट किया है? आयुष को. कौन से तारीख को गिफ्ट किया है? 16 June 2005, 16 June 2005. ठीक है, आयुष ने क्या किया? आयुष ने इसको बेचा है अंकित को. कब बेचा है अंकित को? 15 January 2020, 15 जनवरी 2020 को.
तो मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ विवेक, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर विवेक. और इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर. ठीक है, अब आयुष ने गिफ्ट ले लिया, आयुष उसको बेच रहा अंकित को. तो एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट पे कैपिटल गेन चार्ज होता है. तो यहां पर असेसी कौन होगा इस सब में? इस सब में मेरे लिए असेसी होगा आयुष, क्योंकि आयुष ने ट्रांसफर किया उस प्रॉपर्टी को फाइनली, और वो ट्रांसफर एग्जेम्प्टेड नहीं है. अच्छा, पहला पॉइंट जो कंसिडरेशन में आ रहा है, कैपिटल एसेट इज अक्वायर्ड, कैपिटल एसेट इज अक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001. तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा दैट विल बी हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001. तो उस दोनों को कंपेयर करके तो मेरा रुपया 1,20,000 रुपया आ रहा है. मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ रहा है? 1,20,000. एंड जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है प्रीवियस ओनर का, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर, इसी को मानेंगे डीम टू बी ऑफ करेंट ओनर. इसी कॉस्ट को करेंट ओनर का मानना पड़ेगा. हाँ, एक तो मेरा ये हो गया. अब दूसरा, पीरियड ऑफ होल्डिंग ले लो. पीरियड ऑफ होल्डिंग बिल्डिंग के केस में कब का कितना होता है? हम लोग को 24 महीने का क्राइटेरिया है, 24 महीना चेक करते हैं ना हम लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए. तो यहाँ पर 1/4/98 से ले करके 15 जनवरी 2020, दैट इज मोर देन 24 मंथ्स. दैट इज मोर देन 24 मंथ्स. देयरफॉर कैपिटल एसेट का क्लासिफिकेशन हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. अब जैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इंडेक्सेशन आएगा पिक्चर में. जैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इंडेक्सेशन आएगा पिक्चर में. चलिए ठीक है, तो फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट सेल कंसिडरेशन 30 लाख, सेल कंसिडरेशन 30 लाख लेस ब्रोकरेज निल. तो मेरा नेट सेल कंसिडरेशन कितना होगा? 30 लाख. अच्छा, इससे लेस क्या होगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,20,000 इंटू 289, 2,200. क्योंकि जब एसेट 1/4/2001 के पहले होता है तो अपने इंडेक्सेशन में क्या लेते हैं? 100 लेते हैं. अच्छा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना टो आएगा? 2 टो आएगा. दिया हुआ 3 टो है लेकिन आएगा 2 टो. क्यों सर? क्योंकि एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001 इज इग्नोर्ड. तो देखते हैं, चलिए कितना कितना वैल्यू है मेरा. 50,000 है और 1,10,000 है. तो 50,000 इंटू 289 बाई 105, और 1,10,000 इंटू 289 बाई 184. तीनों वैल्यू को लेस करके
आप आंसर निकाल लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये जो वैल्यू आएगा ये आपका टैक्सेबल है, ये जो वैल्यू आएगा ये आपका टैक्सेबल है, ये जो वैल्यू आएगा ये आपका टैक्सेबल है। करिए करिए, डन, सबका आंसर आ गया होगा मेरे को पता है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आंसर है इसका। एक्चुअली मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप लोग खुद से आंसर निकालना होगा, मैं ग्रुप में जब बच्चे करके भेजेंगे मैं भेजूंगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, ए बाइज अ प्रॉपर्टी, ए बाइज अ प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 1996 फॉर रुपीज 95,000। एंटर्स इन टू एन अग्रीमेंट फॉर सेल, एंटर्स इन टू एन अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी ऑन 1 नवंबर 2003 एंड रुपीज 10,000 वॉज रिसीव्ड, रुपीज 10,000 वॉज रिसीव्ड एज एडवांस एंड लेटर ऑन फोरफिटेड, एंड लेटर ऑन फोरफिटेड, एंड लेटर ऑन फोरफिटेड। फुल स्टॉप। ही गिफ्टेड द प्रॉपर्टी, he gifted the property to Mr. C on 15th May 2005, on 15th May 2005, on 15th May 2005, following expenses were incurred, following expenses were incurred by them, following expenses were incurred by them: A 1998-99 में
25,000, ए 2003-04 में 40,000, सी 2010-11 में 1,15,000, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 1,15,000, 1,15,000, सी एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विथ डी एंड रिसीव्ड 50,000 एज एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013, लेटर ऑन फोरफिटेड, लेटर ऑन फोरफिटेड, सी फाइनली सोल्ड इट टू ई फॉर रुपीज 35 लाख्स, फॉर रुपीज 35 लाख्स ऑन 1 दिसंबर 2019, कंप्यूट कैपिटल गेन, कंप्यूट कैपिटल गेन, कंप्यूट कैपिटल गेन। अब मेरे को आपको सीआईआई बताना है, सीआईआई है 2001-02 का तो पता ही है सबको, 100, और 19-20 का है 289, 2002-03 का है, 3-4 का चाहिए, सॉरी 3-4 का है 109, और 10-11 का है 167। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स का टाइम, प्लीज कंप्लीट द सम। 10 मिनट का टाइम है, प्लीज कंप्लीट द सम। खाली एक चीज मैंने एक्स्ट्रा दिया है यहाँ पर, फोरफीचर वाला, एंड उसका मैंने प्रोविजन समझा दिया आपको। खाली ये फोरफीचर वाला पार्ट ऊपर नीचे एक्स्ट्रा है। मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सम्स को कंप्यूट करिए और मेरे को आंसर बताइए। अब आंसर तो आप क्या बताएंगे, मेरे को ही बताना पड़ेगा। आई एम गिविंग यू टाइम, सॉल्व इट। ये हो रहा है लाइव क्लास ही, बस ड्यू टू नेट इश्यू मेरे को रिकॉर्डिंग करके भेजना पड़ रहा है आपको। आपके लिए लाइव ही माना जाएगा। करिए करिए, टेक योर टाइम। एडवांस वाला अगर पॉइंट आप बोलेंगे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। एडवांस मनी फोरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट एडवांस मनी फोरफिटेड बाय करंट ओनर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन।
और फिर एडवांस मनी फॉरफिटेड के प्रोविजंस में जाइएगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे को लगता है अभी तक आप लोग निकाल लिए होंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस सब में आएगा 1,15,000। हायर अमाउंट लेंगे ना अपने, हायर अमाउंट लेंगे। आई जस्ट सेड दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 1,15,000 बींग द हायर वैल्यू। एंड 50,000 माइनस क्यों होगा? क्योंकि एडवांस मनी फॉरफिटेड बिफोर 1 अप्रैल 2014 इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। रेस्ट ऑफ द सम्स आई गेस इट इज वेरी सिंपल एंड सिमिलर टू द लास्ट। आई विल गिव यू फर्दर 2 मिनट्स टू कंप्लीट द सम।
ओके डन, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट. नेक्स्ट गिव द हेडिंग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बिटवीन पार्टनर एंड फर्म. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बिटवीन पार्टनर एंड फर्म. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बिटवीन पार्टनर एंड फर्म. सी व्हेन अ पार्टनर इज ट्रांसफरिंग एसेट टू फर्म, फुल वैल्यू कंसिडरेशन विल बी टेकन एज अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म. मतलब पैसा कितना मिला उससे मतलब नहीं है, जितना मैं फर्म अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा वो मेरा सेल कंसिडरेशन माना जाएगा. ऐसा हो सकता है कि पार्टनर जब कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है फर्म को, तो हो सकता है उसका मार्केट वैल्यू कुछ और है और उसका बुक वैल्यू वो कुछ और दिखाया, तो बुक वैल्यू को अपने मानेंगे. उल्टा जब होता है, जब फर्म ट्रांसफ़र करता है पार्टनर को कैपिटल एसेट, तो एफवीसी इज टेकन एज फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. When a partner transfer capital asset to firm, FVC is taken as amount recorded in the books of the firm, and when the firm transfer capital asset to partners, FVC is taken FMV on the date of transfer. FMV on the date of transfer. FMV on the date of transfer. क्वेश्चन पीयूष इंट्रोड्यूसेस हिज पर्सनल कार एंड हिज रेसिडेंशियल बिल्डिंग acquired for rupees 2 lakh and rupees 4 lakh respectively to partnership firm, respectively to partnership firm. तो एक partner है, उसने अपना पर्सनल गाड़ी और अपना पर्सनल बिल्डिंग को पार्टनरशिप फर्म को दे दिया, ठीक है. पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर रुपीज 3 lakh एंड रुपीज 9 lakh रेस्पेक्टिवली. मतलब उसने गाड़ी को दिखाया 3 lakh में और बिल्डिंग को दिखाया 9 lakh रुपये में, ठीक है. फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर रुपीज 2,50,000 एंड रुपीज 6 lakh. फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर
रुपीज 2,50,000 एंड रुपीज 6 लाख इज गिवन. डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, डेट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है 1/1/2009 और डेट ऑफ ट्रांसफर दिया हुआ है 21/2/2020. कंप्यूट कैपिटल गेन CII 19/20 का आपको पता ही है 289 और 2008/09 का लगेगा, 2008/09 का है 137. मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर ले जाता हूँ. देखिए आप, मैंने एक लाइन हाईलाइट किया है यहाँ पर, उसको भी आप थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए वो लाइन को. ये लाइन मैंने हाईलाइट किया है. क्यों हाईलाइट किया मैं बताऊंगा, सबसे पहला बात, यहां पर पार्टनर ने गाड़ी और बिल्डिंग दोनों चीज ट्रांसफर किया है फर्म को, ठीक है. तो हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को तो मानेंगे ही नहीं. कौन सा चीज को? ये गाड़ी वाला चीज को तो हम लोग मानेंगे ही नहीं. क्यों? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि कार इज अ पर्सनल कार बोला ना, तो पर्सनल तो है ही और मूवेबल इफेक्ट है, और पर्सनल मूवेबल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होता है. पर्सनल मूवेबल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होता है. तो मेरे को जो भी डेटा दिया हुआ है कार के रेस्पेक्ट में, वो सब गया पानी में, अब बिल्डिंग चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे ऑफिशियल हो, बिल्डिंग तो कैपिटल एसेट माना ही जाता है. तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग. पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? 1/1/2009 से लेकर के 21 February 2020, विच इज मोर देन 24 months. देयरफॉर ये जो बिल्डिंग है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. ठीक है. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सेल कंसिडरेशन सर क्या लेंगे? क्योंकि ये तो ट्रांसफर किया है अपने फर्म को, तो मेरे पास दो ही डेटा अवेलेबल है, या तो फेयर मार्केट वैल्यू या तो बुक वैल्यू. और हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब पार्टनर ट्रांसफर करता है फर्म को, तो वी टेक व्हाट अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म. तो अमाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म कितना रिकॉर्ड हुआ है? 9 लाख रुपया. इसका मतलब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया है. ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, ये जो मैं बॉक्स बनाया हूं, ये हम लोग को दिया है टू कंफ्यूज. ये साफ साफ हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन हम लोग तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है. तो मेरा सेल कंसिडरेशन हो जाएगा 9 लाख रुपया. इससे लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. मेरा खरीद दाम कितना था? 4 लाख रुपया इंटू 289 बाई ईयर ऑफ परचेज. जो भी माइनस आएगा, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा.
वैल्यू को माइनस करेंगे तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, वैल्यू को माइनस करेंगे तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गेन ऑन रिसीव्ड बेसिस, कैपिटल गेन ऑन रिसीव्ड बेसिस, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था? जो जनरल रूल है वो क्या बोलता है, जिस ईयर में कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगा उस ईयर में कैपिटल गेन चार्जेबल होगा। लेकिन देयर आर सर्टेन सिचुएशन, सिचुएशन को मैं डिफाइन ही कर देता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम, या से फॉर एग्जाम्पल कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ गवर्नमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन बाई गवर्नमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन बाई गवर्नमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन बाई गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपका एसेट तो डिस्ट्रॉय हो गया फ्लड में, टाइफून में, हरिकेन में, साइक्लोन में, लेकिन कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल इन द ईयर व्हेन द क्लेम इज रिसीव्ड। कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल इन द ईयर व्हेन द क्लेम इज रिसीव्ड। कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया गवर्नमेंट का, लेकिन कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल इन द ईयर व्हेन द क्लेम, मतलब जो कंपेंसेशन अमाउंट है वो रिसीव होगा तब। तो दिस आर सर्टेन सिचुएशन, दिस आर सर्टेन सिचुएशन वेयर कैपिटल गेन इज चार्जेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। अब यहाँ पर आप लिखिए पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड जो इंडेक्सेशन है दैट विल बी टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर। जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा, जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा या जो इंडेक्सेशन होगा दैट विल बी ओनली डन टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर, लेकिन लेकिन कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट, इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट, इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट, इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। ठीक है, ये जो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये लोग स्टार्टिंग में जो अमाउंट फाइनलाइज करते हैं इसको बोला जाता है इनिशियल कंपेंसेशन। अब जरूरी नहीं हो कि जो इनिशियल कंपेंसेशन हमको मिलेगा टुवर्ड्स माय प्रॉपर्टी दैट विल बी सैटिस्फैक्शन टू मी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको जो रुपया दे रहा है, गवर्नमेंट आपको जो रुपया दे रहा है दैट विल ब्रिंग सैटिस्फैक्शन टू मी। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक केस फाइल कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार को, उसके बाद
कैपिटल गेन जब आपको चाहिए रहता है, ठीक है, मैं कंपेंसेशन की बात कर रहा था, इनिशियल कंपेंसेशन में आप खुश नहीं है तो आप क्या करते हैं, केस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको इनहैंस कंपेंसेशन मिलता है, आपको मिलता है इनहैंस कंपेंसेशन। ये दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, हम लोग सीखेंगे। अभी आप ये समझ के रखिए कि देयर आर सिचुएशन जहाँ पर गवर्नमेंट आपका जमीन या बिल्डिंग को कंपल्सरीली एक्वायर कर लेता है, उसके अगेंस्ट में आपको वो कंपेंसेशन देता है। क्या देता है? उसके अगेंस्ट में आपको वो कंपेंसेशन देता है। जब वो आपको कंपेंसेशन देता है, उससे आप जब खुश नहीं रहते हैं तो यू डिमांड फॉर मोर, एंड देन व्हेन गवर्नमेंट, हायर गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, हायर कोर्ट इज सेटिस्फाइड, देन यू गेट इनहैंस कंपेंसेशन, देन यू गेट इनहैंस कंपेंसेशन। क्लियर? सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कि दोनों का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होगा। इस केस में तो नॉर्मल करना है आपको, नॉर्मल बोले तो मान लो 50 लाख रुपया मेरा इनिशियल कंपेंसेशन है। 2019-20 में हमको 30 लाख मिला और 2020-21 में हमको 20 लाख मिला। 2019-20 में हमको 30 लाख मिला, 2020-21 में हमको मिला 20 लाख। ठीक है, अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो 50 लाख रुपया है ये एक बार में टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर 1920। तो इनिशियल कंपेंसेशन में लिखिए टैक्सेबल व्हेन, टैक्सेबल व्हेन कंपेंसेशन और पार्ट देयर ऑफ इज फर्स्ट रिसीव्ड, इज फर्स्ट रिसीव्ड, टैक्सेबल व्हेन कंपेंसेशन और पार्ट देयर ऑफ इज फर्स्ट रिसीव्ड। इसका मतलब इनिशियल कंपेंसेशन का अगर थोड़ा हिस्सा भी आपको जिस प्रीवियस ईयर में मिल गया तो पूरा का पूरा विल बी चार्जेबल इन द सेम ईयर इट्सेल्फ। लेकिन मान लीजिए सरकार आपको 10 लाख रुपया का इनहैंस्ड कंपेंसेशन दे रहा है, ठीक है, 2020-21 में दिया 5 लाख और 2021-22 में दे रहा है 5 लाख, तो इनहैंस्ड कंपेंसेशन के केस में आपको लिखना है टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड, टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड, टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड। ठीक है, अब यहां आप क्या लिखेंगे, टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड में आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल होता है। इसका मतलब इनहैंस्ड कंपेंसेशन में कुछ भी माइनस नहीं होगा, इनहैंस्ड कंपेंसेशन के केस में कुछ भी माइनस नहीं होगा, जो भी माइनस होना है वो इनिशियल कंपेंसेशन में हो लेगा, अलग से आपको इनहैंस कंपेंसेशन में कुछ भी माइनस नहीं करना है, कुछ भी माइनस नहीं करना है। ठीक है, चलिए, अच्छा अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन का। जो लोग भी ड्राइव का वीडियो देखे हैं या अदर सोर्सेज लाइव किए हैं, मैंने साफ साफ बोल दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज विथ अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50%। ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके ऊपर,
विथ अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50%, 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 ठीक है। यहां पर भी सेम बात है, पीरियड ऑफ होल्डिंग और जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, जो इंडेक्सेशन होगा दैट विल बी टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, दैट विल बी टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, दैट विल बी टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, दैट विल बी टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मिस्टर ए परचेज्ड अ प्रॉपर्टी, मिस्टर ए परचेज्ड अ प्रॉपर्टी ऑन 1 मई 2003, ऑन 1 मई 2003, फुल स्टॉप, प्रॉपर्टी इज compulsorily acquired on 3rd June 2007, on 3rd June 2007, on 3rd June 2007, initial compensation received in 2 installments, one in 1920, second in 2021. Comment: one in 1920, इसको 2017 कर दो, one in 1920 and second in 2021. इसका मतलब ये एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आ रहा है कि मैंने प्रॉपर्टी कब खरीदा, मैंने प्रॉपर्टी खरीदा 1/5 को और उसका एक्विजिशन कब हो गया, 3/6/2017। इसका बोलने का मतलब यही है कि आपका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा वो 1/5/2003 से लेकर के 3 जून 2017 तक, दैट इज मोर देन 24 मंथ्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और जो इंडेक्सेशन होगा, जो ICOA निकलेगा, उसमें COA इंटू CII ऑफ 1920 बाई CII ऑफ 2003-04, गलत। जो बच्चा 1920 करके आएगा गलत, क्योंकि मैंने आपको साफ साफ बोल दिया था कि CII विल बी डन, इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो भी इंडेक्सेशन बोलते हैं अपने इसको, इंडेक्सेशन विल बी डन टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां पर CII लगेगा 2017-18 का, इसको सर्कल करके लिख लो, डेंजर, क्योंकि एग्जाम में 19-20 भी दिया रहेगा और 17-18 भी दिया रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, 17-18 तक का करना है, हम लोग को क्या करना है, 17-18 तक का करना है, हम लोग को क्या करना है, 17-18 तक का करना है, हम लोग को क्या करना है, 17-18 तक का करना है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को पहला इंस्टॉलमेंट कब मिल गया, मेरे को पहला इंस्टॉलमेंट कब मिला, 19-20 को। तो पूरा का पूरा, जो पूरा है, पूरा कंपेंसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फर्स्ट रिसीव्ड, इन द ईयर ऑफ फर्स्ट रिसीव्ड, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कंपेंसेशन, इनिशियल वाला का बात कर रहा हूं मैं, will be taxable in the year of first received, in the year of first received,
इन द ईयर ऑफ फर्स्ट रिसीप्ट, रिवाइज करिए इसको अच्छे से। क्वेश्चन लिखिए। अ फायर टुक प्लेस इन द प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर जेड, अ फायर टुक प्लेस इन द प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर जेड ऑन 1st June 2014, ऑन 1st June 2014। His gold ring was destroyed, which was purchased by him on 1st May 2006. On 1st May 2006. On 1st May 2006. Insurance company admitted an insurance claim. ये 2 लाख में खरीदा था। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹9 लाख। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹9 लाख रिसीव्ड ऑन 1st जनवरी 2020। कंप्यूट कैपिटल गेन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया 1/5/2006 को खरीदा और 1/6/2014 को डिस्ट्रॉय हो गया, तो यही मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग है। और ज्वेलरी के केस में हम लोग क्या देखते हैं, 36 मंथ्स। साफ समझ में आ रहा है ग्रेटर देन 36 मंथ्स है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसका मतलब ये सिचुएशन इज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये मेरा पहला वर्किंग है। ठीक है, अच्छा फॉर्मेट बना लेगा पर्टिकुलर अमाउंट। सेल कंसिडरेशन कितना है, 9 लाख। और प्रीवियस ईयर कौन सा ही है, 1920। प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1920। जिस साल तुमको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उस साल तुमको टैक्सेबल दिखाना है। तो सेल कंसिडरेशन कितना है, 9 लाख लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख इंटू CII ऑफ 6-7 ना इंटू CII ऑफ 14-15 240 by 6-7 122 by 6-7 122। दिस इज CII ऑफ 14-15 टिल द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। हो गया,
क्लियर है? आपको जो पीडीएफ भेजा गया है उससे भी आप कैपिटल गेन का सम्स ट्राई करिए। मैं और एक सम्स का शीट बना रहा हूँ सैलरी को लेकर के, वो मैं आपसे शेयर करूँगा बहुत जल्दी। यू हैव टू कीप रिवाइजिंग दिस हेड्स ऑफ इनकम। आप जितना हेड्स ऑफ इनकम रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।